पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर तकनीक प्रोग्राम के लिए अमेरिकी तकनीक की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा हो सकता है। अमेरिकी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जॉन सी डेमर्क का कहना है कि पाकिस्तानियों ने अमेरिका में बने उत्पादों को उन संस्थानों में निर्यात किया जिन्हें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में रेखांकित किया गया है, क्योंकि इन संस्थानों के संबंध पाकिस्तान के हथियार कार्यक्रमों से हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो अमेरिका के लिए उदाहरण बन सकता है कि उसे निर्यात के नियमों को लागू करने में कड़ाई से पेश आना चाहिए। पाकिस्तान के जिन लोगों पर चोरी करने के आरोप लगे हैं, इन सब पर इंटरनेशनल एनर्जी इकोनॉमी पावर एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के उल्लंघन की साजिश रचने का मामला है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के बयान में इस बात की तरफ इशारा किया गया कि पाकिस्तान के इस स्मगलिंग नेटवर्क का खुलासा भारत की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के एक्टिंग स्पेशल एजेंट इंचार्ज जैसन मोलिन ने कहा, इन पांच लोगों का कथित व्यवहार अमेरिकी निर्यात कानून के उल्लंघन से कहीं ज्यादा बड़ा है। इससे अमेरिकी सुरक्षा हितों के साथ साथ क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच नाजुक शक्ति संतुलन के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है।